बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देयर इज अ लॉट टू लर्न टुडे, ट्राई टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि इस टेंस का इस्तेमाल हम कब करेंगे। तो याद रखें, वी यूज दिस टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग that will be completed before a specific time in the future. हम इस टेंस का इस्तेमाल तब करेंगे जब हम उन एक्शंस या एक्टिविटीज के बारे में जिक्र करेंगे जो मुस्तकबिल में मुकम्मल होने वाले हों, और इससे पहले कि एक स्पेसिफाइड टाइम शुरू हो जाए या दूसरी एक्टिविटी शुरू हो जाए। याद रखें, अगर आप तर्जुमा करते हैं इंग्लिश से उर्दू में या उर्दू से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो उर्दू के फकरों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, गया होगा, गई होगी जैसे अल्फाज। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव फिनिश्ड द होमवर्क बाय 8 PM। यहाँ पे देखें, हम जिक्र करते हैं ऐसी एक्टिविटी के बारे में जो फ्यूचर में मुकम्मल होने वाले हो, और इससे पहले कि एक स्पेसिफाइड टाइम जैसा कि इस एग्जाम्पल में है 8 PM, क्लियर, वो शुरू हो जाए या वो वक्त आ जाए। क्लियर, तो ऐसी ही एक्टिविटीज के बारे में जब हम जिक्र करेंगे तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम सेंटेंसेस की बनावट किस तरह करेंगे। हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, उसके बाद विल हैव या शैल हैव पुट करते हैं, और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म या जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव फिनिश द होमवर्क बाय 8 PM, यू विल हैव गॉन टू वर्क बाय नून, they will have traveled by December, they will have played football in that field before you reach, we shall have written articles before you come. So these are some of the examples of affirmative sentences and this tense. अब यहाँ पे एक लाजमी पॉइंट है जो मैं फ्यूचर टेंसेस में डिस्कस कर भी चुका हूँ। याद रखें, अमेरिकन इंग्लिश में शल हैव का इस्तेमाल नहीं होता। मॉडर्न इंग्लिश में हाउ स्पोकन हो या रिटन में हो, खासकर अमेरिकन इसका इस्तेमाल नहीं करते। अलबत्ता ब्रिटेन में इसका इस्तेमाल आजकल भी होता रहता है। क्लियर, सो अगर आप इस कंफ्यूजन को भी ख़त्म करना चाहते हैं तो आप कंट्रैक्शन का इस्तेमाल करें, मतलब आई वी या शी जो भी है सब्जेक्ट, उसके बाद आप अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाएं और उसके बाद डबल एल लगाएं, तो आपका ये कन्फ्यूजन रिटन फॉर्म में भी ख़त्म हो जाएगा। और जब आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, फॉर एग्जांपल आई एल, यू एल, इसी तरह शी एल, इसी तरह वी एल, इसी तरह और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कन्फ्यूजन जो है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा कि आपने कौन सा वाला अशल या विल, कौन सा वाला आपने इस्तेमाल किया है। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे। इट्स सो सिंपल, आप वेल या शल के बाद नॉट लगाएं, सेंटेंस खुद ब खुद क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, आई विल हैव फिनिश्ड द होमवर्क बाय 8 PM। इसको नेगेटिव बनाने के लिए मैं इस तरह करूंगा, आई विल नॉट हैव और आई शल नॉट हैव फिनिश्ड द होमवर्क बाय 8 PM। Again, they will have traveled by December. They will not have traveled by December. इसी तरह, they will have played football in that field when you reach. यहाँ पे देखे, they will not have played football in that field when you reach. So these are the examples. It's so simple, you can do it by yourself now. अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे। मैं बार बार ये रिपीट करता हूं कि अगर आप फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप इससे, इस टिप से जो अब हम करने वाले हैं जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, इससे आप अपनी फ्लुएंसी को बेहतर बना सकते हैं। हाउ, आप किसी दूसरे बंदे से क्वेश्चन करें, वो आपको क्या करेगा या करेगी, जो आपकी कोलीग्स हैं, आपके साथ दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स होते हैं, उनसे आप क्वेश्चंस करें, क्लियर, तो आपका ये स्किल डेवलप हो जाएगा, वो आपको अफर्मेटिव में आंसर देंगे
तो उनका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर वो आपसे करेंगे, आप उनके जवाब देंगे, तो इसी तरह आपकी फ्लुएंसी में ये आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। अब सीखते हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह बनाएंगे। तो इट्स सो सिंपल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सेंटेंस, आई शैल हैव फिनिश्ड द होमवर्क बाई 8 PM। अगेन वही सेंटेंस हम लेते हैं, इससे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बआसानी बना सकते हैं। विल या शैल को हम स्टार्ट में लगाएंगे, बाकी वही स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल शैल आई हैव फिनिश्ड द होमवर्क बाई 8 PM, विल दे have played in that field when you reach, you will have gone to work by noon. इससे बनाते हैं, well you have gone to work by noon. It's so simple. Dear students, इस टेंस के तमाम नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, the main thing is your own practice. Try to make practice upon it. It's a bit easy because practice makes a man perfect. I think this is sufficient for the day. See you in the next lecture. Allah Hafiz.